हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडुकेशन में। सिर्फ आज की वीडियो हम लोग यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, केवीएस के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक आपका जो ईडीएस का है, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका जो है वायुमंडल का संगठन। इसके पहले हम लोगों ने वायुमंडल को देखा है और इस वीडियो में हम लोग वायुमंडल के संगठन से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनको देखेंगे। तो यहाँ पर जो है वायुमंडल का संगठन, तो वायुमंडल जो है आपका एटमॉस्फेयर क्या है, तो सबसे पहले आप जो समझ लीजिए इस प्रकार से जो आपकी अर्थ है और अर्थ के ऊपर जो भी आपकी जो गैसेस का आवरण बना हुआ है, ये सभी आवरण जिसमें भी जो है गैसेस पाई जाती हैं, ये सभी मिलकर जो है आपका जो है एटमॉस्फेयर बनाता है, वायुमंडल बनाता है। ये क्या है, तो ये जो पूरा आपका जो है, ये आपका क्या है, तो ये जो है आपका एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर ये आपका क्या है, तो ये पूरा जो है पूरा आपका जो है एटमॉस्फेयर है, जो भी इसके जो है बाहर अर्थ के ऊपर जो भी आपकी लेयर है। तो इस प्रकार से आप जो है इस एटमॉस्फेयर को समझ सकते हैं। यहाँ पर इसके जो मुख्य घटक हैं, एटमॉस्फेयर का जो मुख्य घटक है, ये आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके 99% जो है पार्ट जो है आपका जो एटमॉस्फेयर का है, ये आपका जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जो है, ये इसका जो है 99% जो भाग है वो इन्हीं गैसेस से मिलकर बना हुआ है। जो 1% भाग है, जो बचा हुआ 1% भाग है, ये आपका जो है हाइड्रोजन, हीलियम और Ne2O आदि गैसों से मिलकर जो है वो बना हुआ है। यहाँ पर जो आपकी जो प्रतिशतता पूछी जाती है एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए, तो यहाँ पर जो है आपकी जो परसेंटेज है गैसेस की, वो क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो सबसे पहला है आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को देखा जाए तो नाइट्रोजन जो है ये 78% जो है, यहाँ पर 78.08% है। और यदि एग्जाम्स में पूछा जाता है तो आपको आंसर्स में 78% ही करना है, ये करेक्ट जो है दिया है। लेकिन यहाँ पर पॉइंट जो है वो आपके एग्जाम्स में इतना नहीं पूछा जाता है, तो 78% करना है। ऑक्सीजन की बात की जाए तो जो ऑक्सीजन का जो प्रतिशत लेवल है वो जो है 21% आपको एग्जाम्स में करना है। लेकिन यदि करेक्ट पूछा जाए तो 20.94 जो है ये आपका जो है परसेंटेज जो है प्रतिशत जो है ये ऑक्सीजन का पाया जाता है। इसके साथ साथ आर्गन का जो है 0.93 और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये 0.03% जो है ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। और यहाँ पर आप जो है सिंबल भी इसका नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का जो है O, आर्गन का Ar, कार्बन डाइऑक्साइड का जो है CO2, ये भी आपको याद रखना है। इसके साथ साथ ओजोन जो है ये भी आपके एटमॉस्फेयर की बहुत ही महत्वपूर्ण और गैस है, तो इसका जो है ये आपका 0.00004% जो है ओजोन जो है वो आपके एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। इसके साथ साथ हाइड्रोजन जो है वो आपका 0.00606% जो है ये आपका हाइड्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। इस इन गैसेस के अतिरिक्त हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जीनोन, मेथेन, ये सारी गैसेस भी आपके एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग नाइट्रोजन को देखेंगे। नाइट्रोजन जो है ये क्या है, तो नाइट्रोजन जो है किस प्रकार से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो सबसे पहले जो नाइट्रोजन का जो है ह्यूमन में देखिए, मनुष्य में देखिए, तो मनुष्य में जो आपका आपके अंदर जो डीएनए है ये क्या है, तो डीएनए जो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ये आपका जो डीएनए होता है मनुष्य का, ये नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। इसमें जो है क्या होता है, तो नाइट्रोजन होता है। इसके साथ साथ मनुष्य में जो है प्रोटीन पाया जाता है, तो प्रोटीन का जो घटक होता है इसमें भी आपका जो है नाइट्रोजन पाया जाता है। तो इस प्रकार से जो नाइट्रोजन है वो मनुष्य के लिए इस प्रकार से इम्पोर्टेंट है, मनुष्य में कहीं ना कहीं जो है नाइट्रोजन का जो है वो पाया जाता है। इसी प्रकार से प्लांट, पौधों में देख लीजिए, तो पौधे जो है ये नाइट्रोजन को डायरेक्टली प्राप्त नहीं करते हैं, ये नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के फॉर्म में, ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड के रूप में जो है इसे ग्रहण करते हैं। नाइट्रोजन का जो है ऑक्साइड के रूप में जो है इसे ग्रहण करते हैं। तो और पौधों में भी डीएनए होता है, तो पौधों के लिए भी इस प्रकार से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ ऑक्सीजन को देखते हैं, तो ऑक्सीजन जो है ये ऑक्सीजन जो होता है ये लाइफ सपोर्टिंग गैस है, यानी कि जो श्वसन के लिए हम लोग जो गैस लेते हैं तो इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऑक्सीजन का जो है ये श्वसन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपका किसके लिए है, तो श्वसन के लिए आपका जो है ऑक्सीजन महत्वपूर्ण है। बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये फोटोसाइंथेसिस की जो क्रिया होती है, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है हमारे पौधों के द्वारा, तो उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत जरूरी है। बिना कार्बन डाइऑक्साइड के फोटोसाइंथेसिस की क्रिया नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने वायुमंडल का संगठन, इसमें महत्वपूर्ण गैसेस
और इनका जो है उपयोग जो है किस प्रकार से है, ज्यादातर यही तीन क्वेश्चन यहीं से तीन से जो है ज्यादा पूछा जाता है। फिर भी आपको ये सारी गैसेस का प्रतिशत याद रखना है और इम्पोर्टेंट जो है ये तीन का जो है बहुत ज्यादा आपके एग्जाम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो इनको आपको विशेष रूप से याद रखना है। और इनका ये भी याद रखना है कि मनुष्य में डीएनए और प्रोटीन के रूप में नाइट्रोजन पाया जाता है, तो इस प्रकार से और ऑक्सीजन शोषण के लिए और CO2 जो है फोटोसिंथेसिस के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से जो है वायुमंडल का संगठन, वायुमंडल का कंपोजिशन से जो भी महत्वपूर्ण आपके जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते थे वो सारे यहाँ पर जो है क्लियर हो गए हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।